बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम मीट टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कोर्स कंटेंट्स काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को वन बाय वन टॉपिक वाइज आप लोगों को बताए भी हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स इंक्लूडेड हैं आपके सब्जेक्ट में। और अब हम इंशाल्लाह वन बाय वन थ्रू लेक्चर हम उन तमाम टॉपिक्स को मज़ीद डिटेल में स्टडी करेंगे। मीट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मीट एनिमल फ्लैश है बेसिकली, जिसको एज अ ह्यूमन फूड यूज़ किया जाता है। इट रेफर्स टू स्केलेटल मसल्स, एसोसिएटेड फैट एंड एडिबल ऑफल। ठीक है, स्केलेटल मसल्स आते हैं इसमें, एसोसिएटेड फैट, एडिबल ऑफल लाइक हर्ट, गुर्दे वगैरह, ये अक्सर लोग आपने देखा है कि वो ये शौक से खाते हैं। ठीक है, और सम टाइम अगर हम बहुत रेस्ट्रिक्टिव सेंस में मीट को डिफ़ाइन करें तो दिस इज़ द फ्लैश ऑफ मेमेलियन स्पीशीज़ इंक्लूडिंग कैटल, लैम्ब्स, गोट एंडसेट्रा, रेज्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्सक्लूडिंग अदर एनिमल लाइक पोल्ट्री, फिश एंड सी फूड। सम टाइम जब हम मीट की बात करते हैं तो एक कॉमन बंदा ये समझते हैं कि मीट में आपका पोल्ट्री भी आता है, आपका फ़िश भी आता है, ये सब। लेकिन अगर हम रेस्ट्रिक्टेड उसमें जाएँ डेफिनेशन में, तो इसमें सिर्फ आपके जो मेमेलियन स्पीशीज़ हैं, कैटल, शीप्स हो गई, गोट्स वगैरह, तो ये उसमें आती हैं। ठीक है, मीट आपका इस ऐसा एक फ्लैश है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो लोग बड़ा शौक के साथ इसको खाते हैं, ना सिर्फ कंजम्पशन के लिए बल्कि इसके अगर प्रोडक्ट्स भी देखें तो लोग इसके प्रोडक्ट्स भी बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा ये मीट जो है मेनली, अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो ये मेनली कंप्राइजेज है वाटर और प्रोटीन पे। प्रोटीन का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है मीट, रेड मीट जिसे हम स्पेशली कहते हैं, और इसको हम और फूड के साथ मिलाकर भी कंज्यूम करते हैं। इसकी ये इसको हम जैसे फ्रेश ले आते हैं, पकाकर भी इसको खाते हैं, जैसे घरों में नॉर्मली हम बनाते हैं हांडी वगैरह में तो डाल देते हैं। इसके अलावा इसकी सीजनिंग भी की जाती है, और इसके अलावा इसको प्रोसेस भी किया जाता है डिफरेंट वेज़ में। ठीक है, उसमें से हम जब प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो मैं आप फर्दर फिर इसको वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, डेफिनेशन के बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ मीट एनिमल। ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो आ जाता है जीनेटिक या जीनेटिक मेकअप या ब्रीड। ठीक है, जीनेटिक मेकअप ऑफ एनिमल जो है ये इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ को अर्लियर एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ठीक है, जब रेट ऑफ सेल डिवीजन डायरेक्टली इफेक्ट करता है एक एनिमल के एम्ब्रियो के ऊपर। जाहिर सी बात है कि जब अगर सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होती तो एम्ब्रियो हेल्दी डिवेलप नहीं होता। ठीक है, और वही एम्ब्रियो फिर आगे जाके एक ग्रोन अप एनिमल में कन्वर्ट होता है तो वो भी उस तरह से हेल्दी भी नहीं होता, उसकी जो प्रोफाइल होती है बॉडी प्रोफाइल वो भी उस तरह से नहीं होती जो कि होनी चाहिए, या जो एक बेस्ट एनिमल में, बेस्ट एनिमल पैरामीटर्स में वो फॉल करता है। ठीक है, तो उसमें वो फिर उसके अंदर चीज़ें रह जाती हैं। ब्रीड ऑफ एनिमल जो है ये काफ़ी इम्पेक्ट डालता है डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डिग्री ऑफ फैटनेस। एक अच्छा जानवर हम किसको कंसीडर करते हैं, जो मोटा ताज़ा होता है। ठीक है, और फैटनेस लेवल जो है ये एनिमल में वेरी करता है सेम वेट और एज में, लेकिन अगर डिफरेंट ब्रीड्स हों। आपने देखा है मैदानी इलाकों की जो गायें हैं या जो एनिमल हैं वो बहुत ही सूखे से होते हैं, बहुत ही लीन टाइप के होते हैं, और एट द सेम टाइम आप अगर देखें कि ये जो शुमाली इलाकों में जो गायें या पाई जाती हैं, नीली रावी को आप देख लें जो साहीवाल की है, और इनके कंपैरिजन में अगर आप ऑस्ट्रेलवी जो वहाँ पे गायें हैं जो मिलती हैं तो उनको आप देखें तो उनमें कितना फ़र्क है। तो ये डिग्री ऑफ फैटनेस है जो उनको एक दूसरे से अलग करती है, और ये उनकी ब्रीड होती है। लोग क्यों कहते हैं कि अच्छी ब्रीड वाली गाय जो है उसको प्रेफर करते हैं, या अच्छी ब्रीड से मुराद यही है कि वो एक अच्छी नस्ल का जो जानवर होता है, फीड भी आप उस पर एक इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, लेकिन ब्रीड एक अच्छी नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अच्छे पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि जीनेटिक मेकअप या ब्रीड।
बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रखना एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर इस चीज़ को नोट किया होगा जिन लोगों के घरों में, जो स्पेशली जिनके घरों में एनिमल्स हैं या जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, कि इवन कि आप एक एनिमल की जगह भी चेंज कर देना तो वो एनिमल आपका उस तरह से परफॉर्म नहीं करता। चाहे फिर उसका जो मीट है, मतलब एक अच्छा खासा हेल्दी एनिमल होगा, सुस्त पड़ जाता है। आप कुर्बानी के दिनों की एग्जांपल ले लें कि जब आप एक एनिमल को इवन के मंडी से घर घर तक लेके आते हैं तो वो बिल्कुल खामोश, डरा हुआ एक कोने में बैठा होता है। इसकी वजह यह है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना, वो उसकी चेंज हो जाती हैं। कोई एनिमल कहाँ से आया हुआ होता है, कोई एनिमल कहाँ से आया हुआ होता है। और इसमें फिर ज़्यादा इफ़ेक्ट तब पड़ता है जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज हो। लाइक जो अब जैसे मैंने आपको एक मैदानी इलाकों की और नॉर्दर्न एरियाज़ की, या साहिवाल और इस तरफ की एनिमल्स की मैंने आपको एग्जांपल दी। सपोज़ आप साहिवाल की गाय या शुमाली इलाकों की गाय को मैदानी इलाकों में ले आते हैं, या कॉन्वर्सली आप मैदानी इलाकों की जो गाय है या जो जानवर है उसको आप वहाँ ले जाते हैं, तो क्या इफ़ेक्ट होगा? ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये उसको टॉलरेट नहीं कर पाते जानवर। ठीक है, उनकी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मली जो टॉलरेट कर सकता है ना, वो 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ठीक है, और कुछ जो है ये हैबिचुअल होते हैं बिलो फ्रीजिंग या अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैदानी इलाकों वाले हैं तो वो अबव 50 भी टॉलरेट कर जाते हैं, और जो आपका जो शुमाली इलाकों वाले हैं या जो इस तरह की हैं जो कि बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो वो बिलो फ्रीजिंग भी समटाइम वो कर लेते हैं उसको टॉलरेट। लेकिन जो नॉर्मल रेंज है वो आपकी 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं एक एनिमल के ऊपर। दूसरी चीज़ ये कि जो एनिमल लार्जर बॉडीज़ रखते हैं वो बेटर विदस्टैंड कर जाते हैं लो टेम्परेचर्स के लिए। ठीक है, लो टेम्परेचर बहुत हार्श इफ़ेक्ट डालता है एनिमल की बॉडीज़ के ऊपर। ये कंडीशन प्रॉपरली इसको ना देखा जाए तो ये भी उनकी डिवेलपमेंट, उनकी ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। जिस ग्रोथ और डिवेलपमेंट नॉर्मल लेवल पे जा रही होती है एनिमल्स में, ठीक है, वो सडनली अरेस्ट हो जाती है या रुक जाती है। ठीक है, फिर चाहे वो मिल्क एनिमल हो या मीट एनिमल हो, दोनों इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन फैक्टर है फीड एंड न्यूट्रिशन। अच्छा, डिवेलपमेंट, डोमिनेंस और सर्वाइवल तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राइट फूड उनको मिले, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी की। इसी तरह से एक जानवर को भी अच्छी फीड और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से आती है? ज़ाहिर है, बेसिकली ये जो प्लांट्स हैं या जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिस सॉइल के ऊपर ये ग्रेजिंग करते हैं, तो उस सॉइल से इनको न्यूट्रिशन भी मिलती है और वहाँ से ये ग्रेजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके प्लांट्स ही, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये जो मिल्क एनिमल है इनको ये ग्रीन फॉडर जो अवेलेबल होता है, बरसीम हो गई, लूसन या अल्फा अल्फा, इसके ऊपर जब ये ग्रेजिंग करते हैं तो इनके मिल्क में ज़्यादा इजाफा होता है, इनका दूध भी अच्छा होता है और इनकी ग्रोथ और डिवेलपमेंट भी अच्छी होती है। तो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि ग्रीन फॉडर के ऊपर, और स्पेशली फ्रेश होना चाहिए। ये जो गला सड़ा या इस तरह का फॉडर होता है या जो बासी होता है एक दो दिन का पड़ा हुआ, एनिमल एक तो उसको पसंद भी नहीं करते, दूसरा उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। ठीक है, तो फीड एंड न्यूट्रिशन भी उनकी हेल्थ के ऊपर उसी तरह ही इफ़ेक्ट डालती है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट को, वो है ट्रेस न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। ट्रेस न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है, या सॉइल में उनकी मौजूदगी किस हद तक ज़रूरी है? तो डेफिशिएंसी या एक्सेस किसी भी मटेरियल की सॉइल में वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है एनिमल की हेल्थ के ऊपर जो उस ज़मीन के ऊपर ग्रेजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही इम्पॉर्टेंस रखते हैं, चाहे वो ह्यूमन कंजम्पशन की बात आती है या एनिमल कंजम्पशन की बात आती है। ठीक है, सपोज़ मैं आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स बताती हूँ जिनकी अगर डेफिशिएंसी हो या वो ओवर एक्सेस में हो सॉइल के अंदर, तो उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है।
डेफिशिएंसी ऑफ कोबाल्ट जो है ये लिंक्ड है वेस्टिंग और नर्वस डिजीजेज़ के लिए शीप्स एंड कैटल के अंदर। ठीक है, अगर आपकी ज़मीन कोबाल्ट डेफिशिएंट है और आपके कैटल उसके ऊपर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो उनमें नर्वस डिजीजेज़ आ जाती हैं, मसल्स उनके वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल लीन लागर से हो जाते हैं, एपिटाइट उनकी लॉस हो जाती है। ठीक है, कई महीनों तक, और वो जैसे अक्सर फार्मर्स कहते हैं कि उनके जानवर सूखते जा रहे हैं मगर उनको किसी बीमारी की समझ नहीं आ रही, तो मोस्ट कॉमनली ये फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है और अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या होता है कि जानवर जो है वो मर जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर कॉपर की डेफिशिएंसी हो, और कॉपर की डेफिशिएंसी आपको पता है कि ये रिलेटेड है कोबाल्ट की डेफिशिएंसी के साथ, अगर आपकी ज़मीन कोबाल्ट डेफिशिएंट है तो वो ऑटोमेटिकली कॉपर डेफिशिएंट हो जाती है, और कॉपर की डेफिशिएंसी से डिफरेंट अमाइन ऑक्सीडेजेस के जो एक्शंस हैं ना वो रुक जाते हैं। ये कोलेजिन इलास्टिन जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए, ये प्रोटीन है ना आपके, प्रोटीन क्या करते हैं मसल्स बनाते हैं, तो ऐसे तमाम एनिमल जिनमें जो ऐसी ज़मीन के ऊपर ग्रेजिंग करते हैं जो कॉपर डेफिशिएंट होती है तो उनमें ये मसल्स की डिवेलपमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मोलिब्डेनम फ़र्ज़ करें सॉइल में एक्सेस में आ जाती है तो ये क्या होता है कि तब भी जानवरों के अंदर कॉपर की डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है, एक्सेस मोलिब्डेनम बॉडी में कॉपर को डेफिशिएंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट रिलेटेड हैं और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं एनिमल्स के अंदर। सेम एज़ अगर पोटाशियम का एक्सेस हो जाए तो ये जो बॉडी है एनिमल्स की उसके अंदर सोडियम को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है कि वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। इसी तरह से अगर लो लेवल ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम हो ब्लड में तो ये लीड करता है ग्रास टेटनी, जो दूध का बुखार होता है, मिल्क फीवर वगैरह इसको। ठीक है, तो इस ये भी जानवरों में डिफरेंट बीमारियां विकास करते हैं और उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। लास्ट वन फैक्टर हमारा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है सुपीरियर क्वालिटी के मीट एनिमल को इनक्रीज़ करने के लिए और उनकी प्रोजेनी में फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए। नेचुरल ब्रीडिंग कंडीशन में एक बुल जो है ये आपका पर ईयर 25 से 30 जो क्लेव्स होती हैं या जो गाय होती हैं उनको ये इंसेमिनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 5,000 गाय जो हैं या फीमेल एनिमल जो है ये उनको सायर कर सकता है एनुअली। ठीक है, और लेकिन फिर भी उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है सेमन की मोबिलिटी के ऊपर, मॉर्फोलॉजी और नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ पे। अगर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ जाते हैं एनिमल्स में तो क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं बुल के उनको ग्लाइसरॉल में प्रिजर्व किया जाता है, उनको -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है 5 साल के लिए, और फिर इन्हीं को आप इसी मतलब जो अच्छी क्वालिटी के बुल होते हैं उससे आप फर्दर मज़ीद उनकी प्रोजेनी या उनकी जनरेशन या उनकी ब्रीड जो है आप उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं और अच्छी नस्ल के जानवर आपके पास आ जाते हैं। इवन कि वो आपके अगर वो जानवर मर भी चुका हो तब भी आप उसकी प्रोजेनी को इसी तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है, लास्ट वन हमारा फैक्टर है हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स। अच्छा, मीट एनिमल जो है ये कंपेरेटिवली इनके लार्जर मसल्स होते हैं फीमेल एनिमल की निस्बत जो मेल एनिमल हैं, और इसमें इस वजह से जो सेक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है मसल्स ग्रोथ के लिए, और इसमें हार्मोन्स भी अपना रोल प्ले करते हैं, लाइक जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। ठीक है, कैटल के अंदर भी और फीमेल जो एनिमल हैं उनके अंदर भी, और डिफरेंट हार्मोन्स देने से आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मिल्क एनिमल में जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं आजकल कोई इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, तो वो इंजेक्शंस क्या हैं, वो यही हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो आजकल डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स और ये यूज़ हो रहे हैं जो उनको फीड के थ्रू दिया जाता है, मतलब फीड के अंदर उसको मिला कर भी दिया जाता है और इंजेक्शंस के थ्रू भी दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, फीड कन्वर्जन भी उनकी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये कुछ हमारे फैक्टर्स थे जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो या कहीं पे समझ ना आए तो फिर आप काइंडली बताइएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ
एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।